एक कलेक्शन में जो एक संतरे का पेड़ है काफी शानदार है, अगर इसकी मैं हाइट की बात करूं तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा है। उसका फल जो है काफी बड़ा आ रहा है। इस पे अमरूद भी है। हाँ, वही मैं दिखा रहा हूँ, 1 से 1.5 फीट का मतलब कि ये पूरा प्लांट है और इस पे देख सकते हैं अमरूद लटके हुए हैं। खुशबू पूरे ट्रक के अंदर भरी पड़ी थी, जब हमने नर्सरी में उतारा तो दूर तक इसी खुशबू जा रही थी, लोग पूछ रहे थे है किस चीज का प्लांट ये। मतलब फ्रूट से हटके दिखाऊं तो ये चंदन का पेड़ है। ये इसको बोलते हैं हम सफेद चंदन। दो तरह के अंजीर हैं, दो तरह के अनार हैं और आम भी, तो 3-4 वैरायटीज के अपने पास अवेलेबल है। चीकू है अपने पास और वेलकम टू चला चले, एक बार फिर से स्वागत आके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ चुके हैं कि आज की वीडियो भी हमारी होने वाली है फ्रूट प्लांट्स के ऊपर। पिछली वीडियो पे काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस रहा था जो कि हमने बनाई थी फ्रूट्स के ऊपर, तो आज एक बार फिर से मैं हूँ सर के साथ। सर को आप अच्छी तरह जानते हैं, इनका नाम है नीतीश। अक्सर हमारे चैनल पे बॉन्साई लर्नर्स के नेम से जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये आपको बॉन्साई बनाना सिखाते हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर चेकआउट करके आप इनकी वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अभी हम इनकी सेकेंड नर्सरी में आए हैं जो कि है ग्रीन्स बुद्धा के नेम से ही, और यहाँ पर आपको हर तरह के प्लांट मिल जाते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रूट प्लांट, क्योंकि ज़्यादातर व्यूवर्स को फ्रूट प्लांट की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है और अक्सर ज़्यादा वैरायटी किसी नर्सरी में उनको नहीं मिल पाती, लेकिन यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं सर से। सर, अगर बात करें फ्रूट प्लांट्स की तो किस टाइप के प्लांट्स आपके पास मिल जाएंगे और प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके व्यूअर को बताना चाहूँगा कि मेरा जो मेन हॉबी है वो बॉन्साई का ही है, जो मेरा मेन पैशन है। ये नर्सरी मैंने बस अपने यू नो इंटरेस्ट के लिए और इंटरेस्ट को और बढ़ाने के लिए किया है। इसके अंदर मैंने बहुत तरह के मैंने खुद प्लांट्स बनाए हैं और कई प्लांट्स ऐसे जो हमने बाहर से मंगवाए भी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं आपको अपने नर्सरी में जो मेरे एक्सक्लूसिव ये जो फ्रूट्स के प्लांट्स हैं थोड़े अच्छे दिखने वाले वो मैं कवर करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि किस तरह के वो प्लांट्स होते हैं। आप भी देख करके आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमारे इस नर्सरी पे जो ये जो फ्रूट्स प्लांट्स हैं इनकी प्राइसिंग जो है मैं कहूँ तो अच्छी वैरायटी के अगर आप लेते हैं फ्रूट प्लांट वो 150 रुपये का होने वाला है। और अगर से स्टार्टिंग हो जाएगी, हाँ, हाइब्रिड वैरायटी अगर आप लेते हैं तो अगर आप मतलब हमारे यहाँ से सीड ग्रोन वाले प्लांट लेंगे तो वो आपको 30 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो देसी वाले 30 रुपये से स्टार्ट हैं और नॉर्मल वाले हाइब्रिड वाले आपके 150 से स्टार्ट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। नीतीश जी, सबसे पहले कौन सा प्लांट दिखाएंगे? तो संदीप जी, सबसे पहले मैं जो दिखाना चाहूँगा, देखो मेरे कलेक्शन में जो एक संतरे का पेड़ है काफ़ी शानदार है, अगर इसकी मैं हाइट की बात करूँ तो मेरे से भी ज़्यादा बड़ा है। और एक ये जो है पॉली बैग में लगा हुआ पेड़ है जो कि काफ़ी मैच्योर दिख रहा है। प्लस इसकी मैं बात करूँ तो इसमें संतरे अगर देखें संतरा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें संतरा लटक रहा है। ये देखिए ब्रांड, इसमें संतरा जो है काफ़ी मतलब अलग अलग जैसे लगा हुआ है। अगर इसे अगर हम ज़मीन में लगा दें तो संतरे से पेड़ जो है पूरा भर जाने वाला है। पूरा पेड़ आपका संतरे से भर जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें आप देखें कितना बुशी प्लांट ही बन रहा है पूरा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्पेस है और ज़मीन में आप लगा सकते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, काफ़ी बुशी हो जाएगा। इसके बाद में मैं पूछना चाहूँगा, इसको पॉट में भी हम लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर इसको हम जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे ये जो बैग है इससे निकाल करके इससे 3 गुना या 2 गुना पॉट आता है, 24 इंची का पॉट आता है। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी जो हमने पॉट में लगा रखा है। तो उसमें आप देखेंगे काफ़ी बड़ा पॉट लगा, 24 इंची पॉट वगैरह में भी फ्रेंड्स आप लगा पाएंगे, तो फिर आप इसको अपने मतलब छत वगैरह पे भी ले सकते हैं। देखिए संदीप जी, जो अभी तक मैंने आपको संतरा दिखाया तो उसी के साथ मैंने एक बढ़िया सा चीकू का पेड़ रखा हुआ है। देखिए मेरे हाइट से भी काफ़ी ऊँचा है, लगभग 7 से 8 फीट का ये चीकू का पेड़ है। बहुत रेयर ही मिलेगा आपको नर्सरी के अंदर। और मैं चीकू की क्वालिटी की बात करूँ तो देखो चीकू का फल जो है काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो अभी फिलहाल इस छोटे से पॉट में है। और इसमें फ्लावरिंग की बात करूं तो अलग अलग जगह पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये अगर हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें या फिर ज़मीन में लगा दें तो हर एक डंडी पे इसके फ्लावर्स आते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी का ये हाइब्रिड ये मतलब चीकू का पेड़ है। इसमें मैं अगर बताऊं चीकू में तो हमारे पास छोटे प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, इवन जो आपके पास संतरे का पेड़ है इसके छोटे प्लांट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर कोई कस्टमर एक्चुअली ये क्या है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और बड़े गमले में लगाना पड़ता है, तो स्पेस की समस्या की वजह से क्या पता नहीं लगा पाएँ आप, लेकिन हाँ ये गमले में भी चलता है। काफ़ी बड़े गमले इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपका छत अच्छा है, बड़ा है, उसके स्पेस है तो उसके ऊपर आप गमले में चीज को लगा सकते हैं। छोटे प्लांट भी अवेलेबल रहने वाले हैं जी, हमारे पास छोटे प्लांट भी अवेलेबल है, उसमें फल आएंगे देखते हैं आपके। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले छोटे प्लांट में मैं एक मेरे पास आम है जो कि मैंने इसके बहुत मुश्किल से इसके जो ऑफ कोर्स ये छोटे बैग में डाला हुआ है। हां जी,
अगर मैं बात करूँ ये छोटे बैग में डला हुआ है यहाँ पे, और अगर मैं इसके फल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे जो आमी होते हैं, छोटे छोटे जो मैंगो हैं वो इसमें लग रहे हैं। अब इसको क्या होगा, अगर हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें तो इसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी और ये जो इसका जो फल है इसका साइज बड़ा हो जाएगा। जी संदीप जी, अभी जो मैंने छोटे प्लांट्स की बात करी उसमें से आपको मैंने अभी आम दिखाया, अब मैं जो दिखा रहा हूँ आपको वो चीकू का एक प्लांट है जो कि छोटे साइज में है और अच्छे से एक छोटे से पॉट में शिफ्ट होने वाला प्लांट है। इसका जो अगर मैं बैग की बात करूं तो 9-10 के बैग में ये लगा हुआ है और इजीली आप इसको 14 इंची के गमले या 12 इंची गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उसमें भी ये 100% फल लेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चीकू है ये, जो मैंने अभी आपको बड़ा पेड़ दिखाया उसी साइज़ का इसमें भी फल आने वाला है। न्यूट्रिशन की अगर कमी ना होने दे तो, अगर मैं अब नेक्स्ट फ्रूट की बात करूं तो आम की भी काफ़ी अच्छी अपने पास कलेक्शन होती है। इसमें अलग अलग आम चौसा है, आम्रपाली है, इस टाइप से करके अपने पास डिफरेंट डिफरेंट आम के प्लांट होने वाले हैं। काफ़ी क्वान्टिटी हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमारी नर्सरी में। आइए एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था छोटा बड़ा जो आपको मैंने संतरा दिखाया था उसी में मैं अगर बात करूं छोटे संतरे के पेड़ की बात करूं तो सेम 9-10 की बैग में यहाँ पे एक छोटा संतरा का पेड़ है जो कि आप आराम से अपने छोटे गमले में लगा सकते हैं और सेम उसी टाइप से इसमें भी फल आने वाला है। ठीक है, अगर मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाहूं तो मेरे पास इसका है क्या बोलते हैं उसको, आंवला, आंवले का पेड़ है मेरे पास, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स को आंवला चाहिए वो यहाँ पे देखिए इजीली अवेलेबल। ये सेम 9-10 के बैग में आंवला का पेड़ है, हाइब्रिड है ये, बिल्कुल छोटे से पेड़ में आपका इसमें फल आने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। इसमें हर एक यू नो ब्रांचेस भी इसके फल लगते हैं, बहुत शानदार वैरायटी का आंवला है। ओके, और भी काफी सारे फ्रूट प्लांट देख रहा हूं ये कौन-कौन जी हमारे पास, देखिए चंदन का भी पेड़ है, चंदन भी है। एक मैं दिखाता हूँ, मतलब फ्रूट से हटके दिखाऊँ तो ये चंदन का पेड़ है। ओके, ये इसको बोलते हैं हम सफेद चंदन। Okay, अगर किसी को चंदन लगाना है तो ये चंदन का भी पेड़ आप अपने घर में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है, शुभ होता है, आप चंदन वगैरह लगा सकते हैं गमलों में। इसके लगाने के थोड़े से कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स होते हैं, अपने पास शरीफा है, शरीफे का भी पेड़ है। जी शरीफे का भी पेड़ है, तो शरीफा भी यहाँ पे मिलने वाला है आपको। और कौन सा भी ये संतरे का ही है, संतरे का पेड़ है। अगर मैं बात करूँ देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पीले पत्ते से काफ़ी बड़ा सा वो फ्रूट प्लांट है, वो अंजीर का प्लांट है, अच्छी क्वालिटी का अंजीर है। इसमें मतलब डिफरेंट तरह के अंजीर आता है, एक लाल होता है, काला होता है, तो एक काले वाला ये अंजीर है। आपके पास कितने तरह के अंजीर मिल जाते हैं? अभी मेरे पास दो तरह के अंजीर हैं, और दो तरह के अंजीर हैं, दो तरह के अनार हैं, और आम भी तो 3-4 वैराइटीज़ के अपने पास अवेलेबल है। चीकू है अपने पास, और क्या बोलते हैं इसको, आंवला है अपने पास, और शरीफा है, संतरा है, और अपने पास क्या बोलते हैं उसको, सीडलेस नींबू के पेड़ हैं, बहुत शानदार तरह के जो भी है मेरे पास हाइब्रिड है फिलहाल। तो सर हम कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स को दिखाएं ताकि वो विजिट करें और बाय कर सकें आपसे। तो संदीप जी, जो नेक्स्ट मैं आपको प्लांट दिखाने वाला हूँ वो मेरा अमरूद का होने वाला है, काफ़ी अच्छी वैरायटी का अमरूद है। आप देखो मेरे हाथ में आ रहा है लगभग 1 से 1.5 फुट का, इस पे अमरूद भी है। हाँ वही मैं दिखा रहा हूँ, 1 से 1.5 फुट का, मतलब कि ये पूरा प्लांट है और इस पे देख सकते हैं अमरूद लटके हुए हैं। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इसको लेकर जाएं और अपने मतलब पॉट में शिफ्ट करें, उसके अंदर फूल आना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपके एक साल में 2 से 3 बार आपको मतलब फल देने वाला है। काफ़ी मतलब बड़े साइज़ का फल होता है और मीठा होता है काफ़ी इसका फल। जी ये देखिए हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, और इसमें देखिए काफ़ी क्वान्टिटी आपको यहाँ पे अमरूद की मिलने वाली है। तो अभी मैं आपको एक और मेरे पास फल रखा हुआ है, काफ़ी अलग है, और ये फल ऐसा है कि एक पेड़ अगर आप घर में लगाते हैं तो फल के मज़े तो लेंगे आप, प्लस आपको फूल के भी मज़े आने वाले हैं, और एक पेड़ आपका पूरे छत को, पूरा जो आपका टेरेस है उसको पूरा खुशबू से भर देने वाला है। ये पूरा पेड़ आपका 14 इंची गमले में, आप इसकी साइज़ देखें इस पूरे प्लांट की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है, और इसमें जो फल लग रहा है देखिए चकोतरा का प्लांट है ये, और इसकी खुशबू आपको भी अभी आ रही हुई, क्या शानदार इसकी खुशबू है। इवन जब हमारे पास प्रोडक्ट आया था तो जितना भी हमारे पास ट्रक के अंदर जो रखा हुआ था प्लांट, उनमें से सबसे ज़्यादा जो खुशबू दे रहा था वो ये प्लांट है। यहाँ तक जो मेरे पास गार्डेनिया के फ्लावर्स हैं, जूही के फ्लावर्स हैं, उनके भी मतलब खुशबू नहीं आ रही थी, इसकी खुशबू पूरे ट्रक के अंदर भरी पड़ी थी। जब हमने नर्सरी में उतारा तो दूर तक इसकी खुशबू जा रही थी, लोग पूछ रहे थे है किस चीज़ का प्लांट ये। ये चकोतरे का प्लांट है, आप घर पे लगाओ, गमले में आपका फल भी आएगा बहुत बड़े साइज़ का, ऊपर से आपका इसमें जो है फूल भी आएगा, दोनों चीज़ के आपके इसमें दोनों चीज़ की बेनिफिट्स मिलेगी इसके अंदर। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, और काफ़ी हेल्दी प्लांट है, इसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है, डेंस है, फॉलेज इसका काफ़ी स्ट्रांग है। तो गाइज अभी मैं आपको अंजीर का एक जो है मेरे पास पेड़ है, जो प्लांट है वो दिखाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा है और हाइब्रिड अंजीर है। आप इसको छोटे गमले में लगाएं, 12 इंची गमले में लगाएं, 10 इंची गमले लगाएं, 14 इंची गमले, हर जगह पर आपको फूल लेने वाला है, जितना बड़ा गमला उतना बढ़िया इसमें फूल और फल आने वाला है। ये देखिए
अंजीर अभी छोटे से एक बैग में आ रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसमें भी आ रहा है, और पीछे की बात करूँ तो यहाँ भी अंजीर आ रहा है। तो ये अंजीर जो है काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, और ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं काफ़ी इसके औषधीय गुण हैं, इसके काफ़ी बेनिफिशियल प्लांट होता है ये अंजीर का जो पौधा होता है। और ये जो फल तो है काफ़ी एकदम फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप इसको अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, और घर में फलों की जो आपकी कलेक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं अंजीर को लगाने के बाद। अभी जो है बहुत अच्छी वैरायटी का मेरे पास नींबू है, जो कि सीडलेस नींबू है, इसके अंदर बीज नहीं होता है, और इसका फल जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, और इसका जो फल आएगा काफ़ी रसीला होता है। गमले में चलने वाला प्लांट है, आप घर में बहुत आसानी से एक गमले में लगा सकते हैं, 12 से 14 इंची के गमले में, साइज़ चाहे आप जितना बड़ा ले लें, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका घर छोटा है, छोटे साइज़ का गमला रखना प्रेफर करते हैं, तो 12 से 14 इंची गमले में काफ़ी अच्छा ये सीडलेस नींबू चलने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये सीडलेस नींबू जो है यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज पे है, फूल आने लग गया है। अभी सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं हमारी दिल्ली में, तो अब क्या है, गर्माहट आने वाला है, तो अब जो फूल है वो इसके अंदर निकलना स्टार्ट होंगे, और धीरे धीरे वो फल में ढलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब जो फ्रूट में से आता है अनार का पौधा, वो मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए अनार का पौधा है, पूरा बेड हमारे पास है, 2-3 बेड इसके हमारे पास है अनार के। ये जो है हाइब्रिड अनार है, भगवान अनार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एक पेड़ में जो इसका फल की क्वांटिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। इसमें एक पेड़ में आपके मतलब सोच के चलें कि 15-20 फल से कहीं कम आने वाला नहीं है, फूल से तो पूरा भर जाएगा आपका प्लांट। तो फूलों की भी आप इसमें मतलब आपका जो ये पेड़ है फूल का भी आनंद ले सकते हैं, प्लस आप फल का भी आनंद ले सकते हैं, दोनों इसमें आपको मिलेगा भगवान अनार के अंदर। एक और अनार होता है हमारे पास, गंधारी अनार होता है, सेमी दिखता है, वो भी आप हमारे पास से ले सकते हैं। दो तरह के अनार की वैरायटीज है हमारे पास। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज हमने इनकी नर्सरी के फ्रूट प्लांट कवर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी प्लांट कवर करूँ, जैसे कि यहाँ पे समर प्लांट आने भी स्टार्ट हो गए, लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि और भी वैरायटी इनके पास आ जाए। जब ज़्यादा वैरायटी होगी तो हम समर प्लांट पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को भी नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैंने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही मैं सर को और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। जो भी प्लांट्स आपने देखे हैं, बाय करना चाहते हैं तो विजिट करना होगा, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल नहीं होने वाली यहाँ पे। जो भी इनका एड्रेस है, गूगल मैप लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, सर का नंबर भी मेंशन है, तो कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, सिंगल पीस भी आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।